गया नहीं का गया का जो मसूरी। सरकारी वन विभाग जो है, जो क्रेन स्कूल के पास है, उसी का ये एक तरह से बोल सकते हो कि ब्रांच है, और नर्सरी ब्रांच जो पहले वहाँ ऑलरेडी मिल जाता था पेड़ पौधे, लेकिन अब नहीं मिल पाता है, अब अब इधर यहाँ शिफ्ट पे कर दे गया। शिफ्ट कर दिया। ये है खटका चक, बहुत लोगों नहीं पता है, हम लोग खुद पहली बार आए हैं और हम लोग संगठन तरफ से खटका आए चक थे। है कहाँ पे लोग बता ये सकते हैं? एक्चुअली पड़ता है हथौड़ा, बहुत नामी है, ओ कई सारे लोग यहाँ पर आए दिखाइए उसको, वो देखते है, हैं। उसको बोलते हैं हम लोग नेवला। हाँ, नेवला वो काफ़ी खतरनाक होता है, नेवला देखने के लिए मिला है यहाँ। तो बिल्कुल ऐसा देखने के लिए ऐसा मिला, और भी खतरनाक तरह तरह चीज़ें होता है हम मिलेगा। लोगों के लिए नहीं, सांप हाँ, साफ साफ नहीं। सांप हाँ के लिए होता। चलिए ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग खटका चक आए हुए हैं, ये नर्सरी है खटका चक में, और ये आपका है हाथदवा। जैसे कि आप ज्ञान भारती है ना इधर, तो ज्ञान भारती से वहां आप पे आगे ज्ञान बढ़ेंगे भारती, प्यारपुर। हाँ प्यारपुर ज्ञान भारती, जो नया पार्क भी बना है वहाँ पर। वहां पे एक और चीज है वो पूल हथौड़ा हाँ जिसको बोल रहे हैं। हाँ हाँ हाथदवा, तो हाथदवा वाटरफॉल काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर जब ये बरसात का महोगनी मौसम होता है। है, तो उसी का आगे आएंगे तो खटका चक एकदम जस्ट रोड पे, जहाँ पे आप इंड हो रहे हैं रोड, और उसी रोड जैसे ही इंड होगा वहीं पे आपको दिखेगा यहाँ पे ऑफिस। तो ये है वन परमंडल का ऑफिस, और वन परमंडल पदाधिकारी यहाँ बैठते हैं, पर अभी तो मौजूद नहीं है, तो DFO भी यहीं चलते बैठते हैं। रहते हैं चलते रहते हैं, पूरा का तो पूरा हम लोग ये आए करते थे हैं, वहाँ एप्लीकेशन लेके संगठन एक-एक की चीज तरफ से, दिखाते रहेंगे एप्लीकेशन लेके आए थे, ये देख ये सकते हैं हमारे बैनर पास पे। एप्लीकेशन है। तो जैसा कि गर्मी पड़ रहा है अभी गया शहर में, तो हम लोग इसको देखते आते जाइए, हुए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक आवेदन दिया जाए, ताकि गया शहर में अधिक से अधिक पेड़ लगे। अब चाहे ये लोग खुद से पेड़ लगा लें या फिर हमें दें पेड़ लगाने के लिए, जैसे भी, पर हमारा मकसद है कि कम से कम पेड़ लगना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें सहूलियत हो। क्योंकि आज होता क्या है कि छाया होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग पेड़ लगेगा भी तो तुरंत भर में, मतलब है ना, जितना भी मौसम है अच्छा हो जाएगा, या फिर जो है ना टेम्परेचर है वो घट जाएगा, ऐसा कुछ पर नहीं होगा, हाँ, शुरुआत होगी, पर जैसे शुरुआत होगी अभी उसमें भी अगर तुरंत। कुछ ऐसे पेड़ लग जाए अनार के तो फल भी मिलेगा, फल भी आंवला के मिलेगा। लग जाए, फिर इधर अनार आंवला ही है, और आगे चल के देखेंगे ये पूरा पूरा सेक्शन अनार आंवला। और लोग जो कहते हैं कि पेड़ लगेगा नहीं इस मौसम में, है ना, खराब हो जाएगा, पर ये नर्सरी का पेड़ है तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करता है, तो ये सब पेड़ जो है लगाए जा सकते हैं, और हो गए भी ये सब पेड़, क्योंकि ये सब ऑलरेडी पहले से सब फर्टाइल है, जो इन लोगों का मिट्टी वगैरह भी होता है, और जो प्लांट भी बहुत इन लोग अपने देख रेख में लोग बड़ा करते हैं। तो और सबसे बड़ी बात है कि जब पेड़ जब बड़ा हो जाएगा, तो इसका सबसे बड़ा ये होगा फ़ायदा कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो उसमें छाया मिल पाएगी, क्योंकि रोड पे आप चलिएगा, अगर 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 आप किसी पेड़ के नीचे से गुजर रहे हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा आराम महसूस होता है। पर वही है कि अगर आप जिस रोड में चल रहे हो, उस रोड में एक भी पेड़ नहीं है, आप उस रोड से आप गुजर के देखें, जब लगातार आपके ऊपर धूप पड़ रहा हो, तो आप कितना ज़्यादा, मतलब आपको तकलीफ़ होता है और बीमार भी पड़ेंगे आप। तो पेड़ का काफ़ी सारा फ़ायदा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ऑक्सीजन ही मिलता है, तो काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, और यहाँ पे और काफी टेम्परेचर विभिन्न मेंटेन रहेगा। तरीके के पेड़ हैं, एक करंज नाम शायद लोगों ने सुना भी नहीं होगा, करंज है, अमलतास नाम लोगों ने सुना है लेकिन देखा नहीं होगा शायद बहुत सारे लोगों ने, बहुत कचनार, करंज, बहुत अनोखा अनोखा पेड़ अमलतास, देखने को मिल रहा है। इस तरह से कुछ कुछ नए पेड़ भी हैं यहाँ पे। मेडिकल से रिलेटेड इश्यूज अगर होती है तो उसके लिए भी बहुत सारा मेडिसिनल प्लांट जिसे बोलते हैं वो भी है यहाँ पे। सागवान का सबसे सबसे मेन जो पेड़ है वो है सागवान का, और सागवान का पेड़ काफ़ी है यहाँ पे। पेड़ इसका जो लकड़ी होता हो काफ़ी मजबूत होता है, इसके लिए लोग ज़्यादातर सागवान का पेड़ लगाना चाहते हैं। शीतल तो सागवान, सागवान तो वसीम जी हमारे साथ हैं, और गया से चलकर हम लोग आए हैं, क्या बोलना चाहेंगे हाँ वसीम कुछ जी? बोलना चाहेंगे, हाँ बोलना ये चाहेंगे, हम लोग 5 जून को जो पर्यावरण दिवस है उसको लेकर वन विभाग से मिलने आए थे, तो उन्होंने, वो लोग व्यस्त चल रहे हैं क्योंकि 5 तारीख को बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, तो अकरम जी, उन्होंने बोला कि आप विजिट कर लीजिए हमारे पास क्या क्या है, तो ये सारा उनके पास पेड़ है, उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोग आकर ले सकते हैं। गर्मी बहुत पड़ रही है और यहाँ पे अधिकारी भी नहीं है, उनको फील्ड वर्क करना पड़ रहा था, फील्ड वर्क में है उन लोग, तो और बाकी यहाँ पे हमारी नीम टीम का आई है। पौधा देख सकते हैं, और नर्सरी का मतलब होता है, बहुत सारे लोग नर्सरी का मतलब नहीं जानते हैं, तो नर्सरी का मतलब वो समझते हैं कि नर्सरी हाँ LKG UKG क्लास वाला, नर्सरी है वही, यानी कि पौधा यहाँ से जस्ट जन्म ले छोटा रहा है। जन्म ले रहा है, और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बताना चाहेंगे हमारे अकरम जी हैं जो कि काफी जंगलों में अध्ययन करने वाले लोग हैं, तो इनसे जानना चाहेंगे हम, क्या बताना चाहेंगे इस जगह के बारे में, कैसा वातावरण लग रहा है कुछ?
फौरी तौर पे आपके सवाल का क्या जवाब दें हम, लेकिन यही है कि अगर हम लोग बड़े तो हो जाते हैं पर ज़हन डेवलप नहीं होता है। अगर हम कायनात के निज़ाम को थोड़ी बारीकी से देखेंगे तो सारा निज़ाम शेयरिंग पे चल रहा है, शेयरिंग पे चल रहा है, सूरत से लेके ये पौधों तक। ये पौधे ऑक्सीजन देते हैं ना, हमें ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन हम रिटर्न में नहीं करते हैं कि ना ना उनको तलब है किसी चीज से हमसे, ना उनको कोई गरज है, तलब भी नहीं है गरज भी नहीं है, और ऑक्सीजन दे भी रहे हैं विदाउट एनी कंडीशन। और हम लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं उनके इस एक्शन के जवाब में, कि हम लोग उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, हम लोग उनको काट रहे हैं, हम लोग उनका कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं, है ना, अंडर नेम ऑफ अर्बनाइजेशन we just not deforested them but we devastated them brutally. तो बहुत अफसोस की बात है। दो चीज मुझे बहुत तंग करती है, एक तो मराइन पॉल्यूशन जो है ओशन में, मछलियाँ और ये सारे लोग जो हैं वो प्लास्टिक खाने पर मजबूर हैं। गाय वगैरह भी अब प्लास्टिक खाती खाने लगी है। तो पहले तो उनकी ग़िज़ा जो थी वो फूल और पौधे थे और घास थे, ये सारी चीज़ें थी। तो निज़ाम को तहस नहस किया है हम लोगों ने, तो नेचर हमें नहीं छोड़ेगी, नेचर हमें उसकी सज़ा देगी। पनिशमेंट सेल्सियस जहाँ पहुँचेगा तो वहाँ तो बर्दाश्त करने के लायक बॉडी ही नहीं। हाँ, पनिशमेंट तो मिलेगी, मिल रही और हाँ उसमें नेचर जो पनिशमेंट बड़ा यूनिक होता है। अच्छा। मतलब करेगा एक आदमी भुगते हैं सारे, जैसे कोरोना में आपने देख ही लिया। तो बहुत सीरियस कंसर्न होना चाहिए, नॉट इवन कि एक कोई आपका इदारा चल रहा है तो आप चार फोटो लगा के डालते हुए दिखा लिए, बहुत सीरियस कंसर्न। फोटो के अलावा उसका साल भर सेवा करना पड़ेगा, साल भर सेवा करना पड़ेगा, लेकिन उस पहले की तरह बिल्कुल वो तो करना पड़ेगा, लेकिन उस एहसास को मद्देनजर रखते वो एहसास नहीं रहेगा कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है आने वाली जनरेशन। आने वाली जनरेशन को अगर हम इस तरीके का छोड़ के गए पानी के मामूलात में, पौधों के मामूलात में, क्लाइमेट चेंज के मामूलात में, नेचर को हमने डिस्ट्रॉय किया है तो सजा तो मिलेगी। चलिए, इनका कहना था कि नेचर को हमने डिस्ट्रॉय किया है तो सजा तो मिलेगी, और कुछ बताना चाहते हैं इसको यहीं पे स्टॉप किया जाए? हाँ, एक चीज और है सिकंदर जी, कुछ बताना चाहेंगे? आ जाइए सिकंदर जी। एक सबसे अच्छा हमें अभी यहाँ पे आके ये लग रहा है कि हम लोग अभी जो है 3 बजे का दोपहर है, ठीक है? अच्छा, हाँ। और 3 बजे का दोपहर, अच्छा, वो आपको बोलने से पहले ही मैं बता दूं कि टेम्परेचर बाहर से की तुलना में यहाँ पे थोड़ा कम लग रहा है। देख सकते हैं कि 3 बजे के दोपहर में हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, पर जरा ही महसूस हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, कितना अच्छा लग रहा है, सूरज की रोशनी भी है, लेकिन चारों तरफ इतना पेड़ पौधे हैं, एकदम डायरेक्ट हम लोग सूरज रोशनी एकदम सर पर है सूरज, फिर भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा की वैसा गर्मी है, वैसा गर्मी लग रहा है। सुबह का अभी कितना 5 बजे या 6 बजे जो सुबह 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 पहली किरणें जो पड़ती हैं, बस उसी तरह का एकदम सेम मौसम। क्या मतलब, हाँ, प्लांट हीट ऑब्जॉर्व करता है, और दूसरी बात है ऑक्सीजन का डायरेक्ट रिलीज होना, उसके बाद फिर हीट ऑब्जॉर्प्शन होना, उसके बाद फिर ऑक्सीजन का मिलना, तो काफी सारे चीजें हैं यहाँ पर और बड़ा अच्छा लग रहा है। पर एक बात है कि यहाँ पे आके खुशी मिली, और दूसरी बात है कि अगर इस नेचर में अगर हम लोग लगातार रहें तो हमारा सेहत भी लगातार अच्छा। बिल्कुल, एक अंतिम संदेश देना चाहेंगे, बहुत सारे अभी संगठन वगैरह जो हैं पेड़ पौधे लगाएंगे क्योंकि ये 5 तारीख मनाया ही जाता है इसलिए, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसको लगातार सेवा कीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ लगा देने से, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि फोटो वगैरह खिंचा लिए लगा दिए, लेकिन उससे कोई फायदा जरा सा भी इधर से उधर फायदा नहीं होने वाला है। लगा करके आप लगातार उसकी सेवा करें, तो लगातार सेवा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने घरों में लगाना पड़ेगा। हाँ, हम लोगों ने इसीलिए शुरुआती इसीलिए किया है कि हम लोगों ने कहा है खासतौर पर अपने संगठन के ग्रुप में कि जो भी पेड़ लगाएंगे सबसे पहले शुरुआत अपने घर से करेंगे। हर कोई अपने घर के छत पे एक अपना नर्सरी बनाइए, नर्सरी बनाइए, पहले घर के नर्सरी, घर के छत का नर्सरी रहेगा तो आपका जो घर जो तपता है वो जो हीट आप ऑब्जॉर्ब कर रहा है आपका छत और आपके घर में बहुत ज्यादा जो गर्मी पैदा हो रही है वो उससे बचेंगे आप। और दूसरी बात है कि वातावरण के लिए अच्छा रहेगा, बिल्कुल, तो शुरुआत वहां से होगा, हाँ, पूरा गर्म होगा। और दूसरा चीज ये है कि हम लोग जो पेड़ लगाएंगे इस बार, तो जहाँ तक रक्षा करने की बात है कि पेड़ सुरक्षित रहे, तो हम लोग जितने भी पेड़ लगाएंगे सब अपने संगठन मेंबर के घर के आसपास,
ताकि और उनको जिम्मेदारी देंगे, जिम्मेदारी हर एक मेंबर को एक पेड़ की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो 450 मेंबर अगर हमारे पास है तो 450 पेड़, 450 मेंबर घर के आसपास कहीं पे एक, कहीं पे दो, कहीं पे तीन ऐसे लगाया जाएगी और जिम्मेदारी दी जाएगी खास कर तौर। चलिए वेरी गुड, हम लोग फिर से मिलेंगे 5 जून को। थैंक यू, धन्यवाद।